हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी क्वाल कट जाए, क्वाल ज्यादा ना हो, क्वाल कट जाए, कभी कभी क्या होता है कि आप ग्रीसिंग करने के लिए या फिर बैरिंग चेंज करने के लिए फैन खोलते तो जरूर है, लेकिन किसी गलती से क्या होता है कि आपका क्वाल कट जाता है। उसके बाद आप लगाते हैं तो फैन बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है, या फिर बिल्कुल स्लो चलता है, घुमाने से जिस साइड भी घुमा दी उधर घूमने लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि कैसे कहीं गलती से कोई क्वाल तो नहीं कट गया, और क्वाल कट जाने के कारण ही फैन नहीं चलेगा, क्योंकि पहले तो फैन आपका बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, आपने खोला और खराब हो गया ग्रीसिंग करने के लिए, ग्रीसिंग करने के बाद नहीं चल रहा। तो आपको क्या करना, तीनों तार की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। ठीक है, रेड वाला तो कॉमन होता है, रेड वाले पे एक लगा दीजिए, ठीक है, ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, रेड वाले पे लगा दीजिए। दूसरा देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ब्लू वाला बिल्कुल ठीक है, और देखिए येल्लो, ठीक है, पीला वाला जो है वो काम नहीं कर रहा। तो देखिए, आपको पता करना है ब्लू वाला अंडर वाला है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे पकड़िए और कोई भी ब्लेड लीजिए, ठीक है, ब्लेड में आप ऐसे पकड़ लीजिए, देखिए ब्लू वाला ठीक था, तो ब्लू अंदर वाला है, ठीक है। देखिए आपको मैं ऐसे दिखा दूँ, ताकि कोई भी ब्लेड आप ले सकते हैं, वो पुराना टाइप प्लेट भी आप ले सकते हैं, या फिर ये भी मैं इसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कहीं पे आप रखिएगा हल्का नोक, तो आपको पता चल जाएगा, आपको पूरा स्केच करने का भी उतना जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये ब्लू वाला है, अंदर वाला ठीक है, आपको देखिए रेड वाला जो है नहीं काम कर रहा, ठीक है, रेड से येल्लो की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी ये वाइंडिंग की जो ये वाइंडिंग जो है कहीं ना कहीं टूटी हुई है। तो आपको एक सिरे से चेक करना है, जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन वायर ये होता है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे नहीं मिल रही कंटिन्यूटी, बिल्कुल नहीं मिल रही है, ऐसे बढ़ते जाइए, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, किसी एक साइड आपको घूमना है, यहाँ तक मिल रहा है, गौर करिएगा, यहाँ तक आपको कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन इस क्वाल पे नहीं मिल रही है, इस क्वाल पे मिल रही है, और देखिए यहाँ नहीं मिल रही, इस क्वाल पे नहीं मिल रही है, ठीक है। अब आपको इधर देखिए, इधर यहाँ से हटा के इस पे चेक करना है, तो देखिए यहाँ मिलने लगी, पीला वाला यहाँ मिल रहा है और रेड वाला यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इस और इसी दोनों क्वाल में देखिए यहाँ मिल रहा है पीला वाला, और देखिए पीला वाला आपको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब गौर कीजिएगा, पीला वाला यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और रेड वाला भी यहीं तक आ रहा है। इसका मतलब रेड आप इधर से जा रहे हैं, तो इधर कहीं इधर पूरा मिलते हुए यहाँ तक आ रहा है रेड, यहाँ तक, ठीक है, और इसके आगे रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, गौर करिएगा, इसके आगे रेड नहीं मिल रहा है। और जब ब्लू आ रहे हैं आप, जब ब्लू से आ रहे हैं, ये सॉरी पीला से जब आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसके आगे रेड से नहीं मिला, ब्लू से इसके आगे नहीं मिला, मतलब इस जो क्वाल है इसी क्वाल में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कटा हुआ है। तो जब आप इसको पहले मार्क कर लीजिए कि यही वाला है, ठीक है, आप किसी मार्कर से आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्केच भी मैं करता हूँ ताकि पता चल जाए, इसी क्वाल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है आपको खोलने और कसने के क्रम में। तो देखिए आप अपोजिट साइड देखिए, कहीं कोई क्या होता है, कभी खोलने का हल्का सा नुकीला चीज से लग जाने से कट जाता है क्वाल, ठीक है। तो आप पता करिए कि इस क्वाल में कहाँ कटा हुआ है, ठीक है, जैसे देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है, गौर करिएगा आप, देखिए तार किसी नुकीले चीज से लगने के कारण, ठीक है, टूट के अलग अलग हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको इसको ठीक करना है, उसी ब्लेड से आपको यहाँ पे स्क्रेच करना है, जहाँ पे कटा हुआ है उसी के पास, ठीक है, उसी के पास आपको अच्छे से स्क्रेच करना है, उसके अगल बगल के भी एक दो तार अगर स्क्रेच हो जाते हैं उस पर भी सोल्डिंग आपको कर देना है, जब अच्छे से स्क्रेच हो जाए, आयरन को काफी अच्छा से गर्म करें। अगर देखिए ये एक पॉइंट पे खराब है, ठीक है, तो आप यहीं पे डायरेक्ट सोल्डिंग कर दीजिए, सिर्फ
शोल्डर वायर से यानी रांगा से तो हो जाएगा। अगर ज़्यादा कटा होता तो आपको क्या होता, पुराना कोई तार छील कर और पीवीसी उसका रिमूव करके इस तरह से दूर तक लगाना होता। लेकिन यहाँ पे एक जगह किसी पॉइंट पे कटा हुआ है तो आप अच्छे से स्क्रेच कीजिए, ठीक है। स्क्रेच करने के बाद बिल्कुल अच्छे से, अगर आप सही से स्क्रेच नहीं कर पाएंगे तो सही से सोल्डिंग नहीं हो पाएगी, और सही से सोल्डिंग नहीं हो पाएगी तो फिर कंटिन्यूटी सही नहीं होगी, फिर से आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले वहाँ पे पेस्ट अप्लाई करिए, ठीक है। सोल्डिंग पेस्ट जो होता है, आप सोल्डिंग पेस्ट यहाँ पे हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सभी तार को एक में सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। और इससे ऐसा नहीं है कि आपके फैन की लाइफ घट जाएगी, ठीक है। फैन की लाइफ बिल्कुल बरकरार रहेगी, आप अच्छे से सोल्डिंग कर दीजिए, बिल्कुल चलेगा आपका फैन, ठीक है। इतना हो गया, अब फिर मैं बिना वीडियो रोके आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ। मेरे चैनल पे कभी भी कोई फेक वीडियोज नहीं डाले जाते, ठीक है। देखिये यहाँ कंटिन्यूटी मिलने लगी, बिल्कुल ठीक है, और इसमें तो पहले से मिल रहे थे, ठीक है। दोनों वाइंडिंग कंटिन्यूटी ठीक हो गई। अब आप पंखे में भी लगाइए, बिल्कुल आपका फैन, बिल्कुल अगर आपने ग्रीसिंग कर दिया तो और अच्छे स्पीड से चलेगा, कैपेसिटर नहीं डाल दिया तो और अच्छे से स्पीड से चलेगा, पहले से कम नहीं चलेगा, इससे कोई स्पीड में कमी नहीं आएगी। एक दो टर्न आपका डिस्टर्ब हुआ है स्क्रैच करके लगाने में, ठीक है, उतना से कोई स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। आप भी आप चाहते हैं कि खुद से अपने घर के चीज़ों को रिपेयर करना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जिस भी डिवाइस पे जिस भी विषय में वीडियो डालूं आपको मिलता रहे, और आप उससे उसके बारे में नॉलेज जो है अपना बढ़ाते रहें, ताकि जब भी वो डिवाइस आपके घर का ख़राब होता है तो आप खुद से उस नॉलेज की मदद से बना सकें। मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं यही चाहता हूं, यही सोच के मैंने चैनल भी बनाया है, ताकि मैं दूर रह के भी आप सबों के काम आ सकूँ, आप सबों का हेल्प कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताएं, कोई कमी हो तो जरूर बताएं, मुझे आपके सुझाव का हमेशा से स्वागत रहेगा। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, आप जरूर कमेंट करें, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई जरूर देने का कोशिश करूंगा।